नगर निगम में आयोजित किया गया पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम। नगर निगम रुड़की में भाजपा नेता और शहर के प्रसिद्ध हकीम टेक वल्लभ के द्वारा आज पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रुड़की क्षेत्र में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल, जिला अध्यक्ष साजिद मलिक, नगर महासचिव बंटी और नगर उपाध्यक्ष बल्लभ भी शामिल हुए। बता दें कि भाजपा नेता और शहर के प्रसिद्ध हकीम टेक बल्लभ ने के द्वारा आज नगर निगम के हॉल में पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें पत्रकारों को मुख्य अतिथि उमेश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उमेश कुमार और टेक वल्लभ के द्वारा हमेशा सभी पत्रकारों का तन मन धन से साथ देने का वादा किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए टेक वल्लभ ने कहा कि कोरोना काल में जब सभी पार्टियों के नेता अपने घरों से निकलने में डरते थे, पत्रकार तब भी अपनी जान को खतरे में डालकर अपना फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बिना एक अच्छे समाज की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कहूंगा कि चौथा स्तंभ अगर देखें तो देश में न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा माना जाता है और जाना जाता है। हमारी न्यायपालिका देश में सर्वोच्च है। पत्रकारों के सम्मान में भी या पत्रकारों के संरक्षण में भी और उनको बचाने में भी न्यायपालिका का देश में बहुत बड़ा हाथ है। जब देश का सबसे बड़ा स्तंभ पत्रकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है तो उस पत्रकार कौम का सम्मान सब लोगों को करना चाहिए। इस तरीके की मुहिम जो आज शुरू की गई है कि सभी पत्रकारों को एक छत के नीचे लाकर, क्योंकि पत्रकारों को एक छत के नीचे लाना बड़ा कठिन काम है। आपस के झगड़े हम लोगों के जो है वो खत्म नहीं हो पाते। मैं सबसे यही बार बार एक बात कहता हूँ कि आपस में मत लड़िए, संयुक्त रूप से रहिए, संगठन के तौर पर रहिए, तो आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। आज ये जो सम्मान किया गया है ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके की पहल छोटे शहरों में होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है जो दिन रात सुबह घर से निकल के उनको ये नहीं पता होता रात को आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे।